जैसा कि कल हम देख रहे थे कि सातों स्वर्गदूत को सात प्रकोप के कटोरे दिए गए और कहा गया कि जाकर के इनको पृथ्वी पर उंडेल दो और इन कटोरों के उंडेलने पर परमेश्वर के प्रकोप का अंत है। पूरी सभ्यता जो है समाप्त होने पर है। सारे मनुष्य, अभी तक हमने देखा था एक तिहाई मनुष्य, एक तिहाई समुद्र के जहाज और प्राणी, लेकिन अब इन सातों कटोरों के उंडेलने पर पूरी मनुष्य जाति की सभ्यता, समुद्र के मछलियां, सारा प्लानेट पृथ्वी जो है समाप्त होने पर है। और ये सब वर्णित है प्रकाशित वाक्य के 16वें अध्याय में। उसका आज हम आधा हिस्सा देख रहे हैं और आधा कल देखेंगे। मेरे साथ निकालें प्रकाशित वाक्य के पुस्तक उसका 16वां अध्याय पद 1 से 11 तक। और यहां ऐसा लिखा है, फिर मैंने मंदिर में किसी को ऊंचे सबसे उन सातों स्वर्गदूतों से यह कहते सुना कि जाओ परमेश्वर के प्रकोप के सातों कटोरों को पृथ्वी पर उंडेल दो। पहले ने जाकर अपना कटोरा पृथ्वी पर उंडेल दिया और उन मनुष्यों के जिन पर पशु की छाप थी और जो उसकी मूरत की पूजा करते थे एक प्रकार का बुरा और दुखदायी फोड़ा निकला और दूसरे ने अपना कटोरा समुद्र पर उंडेल दिया और वो मरे हुओं का सा लहू बन गया और समुद्र में का हर एक जीवधारी मर गया और तीसरे ने अपना कटोरा नदियों और पानी के स्रोतों पर उंडेल दिया और वे लहू बन गए। और मैंने पानी के स्वर्गदूत को यह कहते सुना कि हे पवित्र जो है जो था तू न्यायी है और तूने यह न्याय किया क्योंकि उन्होंने पवित्र लोगों और भेषवक्ताओं का लहू बहाया था और तूने उन्हें लहू पिलाया क्योंकि वे इसी योग्य हैं। फिर मैंने वेदी से यह शब्द सुना कि हाँ हे सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर तेरे निर्णय ठीक और सच्चे हैं। और चौथे ने अपना कटोरा सूर्य पर उंडेल दिया और उसे मनुष्यों को आग से झुलसा देने का अधिकार दिया गया और मनुष्य बड़ी चपन से झुलस गए और परमेश्वर के नाम के जिसे इन विपत्तियों पर अधिकार है निंदा की और उसकी महिमा करने के लिए मन न फिराया। और पांचवें ने अपना कटोरा उस पशु के सिंहासन पर उंडेल दिया और उसके राज्य पर अंधेरा छा गया और लोग पीड़ा के मारे अपनी जीभ चबाने लगे और अपनी पीड़ाओं और फोड़ों के कारण स्वर्ग के परमेश्वर की निंदा की और अपने अपने कामों से मन न फिराया। हम आज इस अध्ययन को देखेंगे। मेरे साथ आए और चले उन सातों स्वर्गदूतों को ऊपर जो परमेश्वर के प्रकोप के अंतिम कटोरों को लेकर के पृथ्वी पर डालने को तैयार है। फिर मैंने मंदिर में किसी को ऊंचे सबसे उन सातों स्वर्गदूतों से यह कहते सुना कि जाओ परमेश्वर के प्रकोप के सातों कटोरों को पृथ्वी पर उंडेल दो। और कल हमने एक और चीज देखी थी कि वे लोग जो परमेश्वर के और मेमने की मोहर लिए हुए थे और उन्होंने शैतान की मोहर और उसके नाम की मोहर लेने से मना कर दिया था तो शैतान ने उनको मार डाला था और वे लोग पृथ्वी पर तो मर गए लेकिन परमेश्वर ने उनको स्वर्ग में लिया और वे मूसा का गीत और मेमने का गीत गा रहे थे और परमेश्वर के आराधना में शामिल थे। अब वो तो पृथ्वी पर से चले गए लेकिन वे लोग जिन्होंने शैतान की मोहर ली थी उसके नाम की पूजा करते थे उन पर ये विपत्तियां आन पड़ी हैं। ये एंटी क्राइस्ट के राज्य के वो दूसरे हिस्से का पोर्शन है जहां ये विपत्तियां उस जगह में आएंगी। हम एक एक करके इनके डिटेल देखेंगे। और मंदिर
फिर वही नाओ शब्द आया है ग्रीक में, हैबिटेशन ऑफ गॉड। और अब हमें समझ में आ गया है कि मंदिर मतलब एक चार दीवारी नहीं वरन परमेश्वर का निवास स्थान जो स्वर्गों में भी नहीं समाता है और पृथ्वी को अपने चरणों के चौके बनाता है। सो ऐसा परमेश्वर जो है उसके लिए शब्द आया नाओस, एंजल उस दूत से कहा एजिलॉस। और हमने एक और चीज देखी थी कि जितने सुसमाचार के लिए स्वर्गदूत निर्धारित किए गए एक भी मनुष्य पर जो है ये काम नहीं सौंपा गया, एक भी मनुष्य को ये काम सौंपा नहीं गया। इसके लिए स्वर्गदूत परमेश्वर के वचन को प्रचारित करने के लिए लगे हुए और वे कटोरे या वाइल जो है प्याले जो है ग्रीक शब्द में है और ग्रीक भाषा में ये शब्द है कप या वाइल, क्रोध के लिए और जो है वो शब्द है और पृथ्वी पर उंडेल दे और पृथ्वी के लिए जो शब्द आया वो जी। और पहली विपत्ति जो है वो सातों स्वर्गदूत को कहा गया कि परमेश्वर के वे सातों प्रकोप के जो कटोरे हैं वो पृथ्वी पर उंडेल दे। और एक एक करके ये वो एक समरी के रूप में ये कटोरे पृथ्वी पर उंडेल दिए गए और पृथ्वी पर जो है ये जो है परमेश्वर के प्रकोप और सातों कटोरों के गिरने पर उंडेले जाने पर पृथ्वी की सभ्यता ही खत्म हो गई, मनुष्य नहीं रहेंगे, सारे मनुष्य मरेंगे, शैतान का सिंहासन समाप्त हो जाएगा, समुद्र और उसमें के सब जीव जंतु मर जाएंगे, सूर्य और चंद्रमा का प्रकाश जाते रहेंगे, शैतान का सिंहासन समाप्त हो जाएगा। और इसके बाद जो है शैतान 1000 साल के लिए बांध दिया जाएगा और पृथ्वी पर जो नया राज्य स्थापित होगा वो प्रभु यीशु मसीह का। 1000 साल को अंग्रेजी में कहा गया है मिलेनियम किंगडम और मिलेनियम किंगडम की झलक हमको नूह के जहाज में भी मिलती है और वो 1000 साल का कार्यकाल होगा। और उस 1000 साल के कार्यकाल में वे लोग जो शहीद हुए वे पृथ्वी के आरंभ से जो शहीद हुए थे वे जीवित हो जाएंगे और प्रभु के साथ राज्य करेंगे, सिर्फ शहीद लोग। सो 1000 साल का राज्य इनके बाद में स्थापित होगा और ये जो कार्यकाल आएगा वो शैतान के राज्य के दूसरे हाफ में दूसरे हिस्से में जो है आएगा। और जैसे समरी चार्ट है, सात मोहरें खोली गई थी, सात तुरहियां फूकी गई थी और सात कटोरे जो है अब पृथ्वी पर डालने के लिए तैयार हो गए। वे सातों स्वर्गदूत जो है परमेश्वर के प्रकोप को जो है पृथ्वी पर डालने वाले हैं जिससे सभ्यता खत्म हो गई, शैतान का राज्य खत्म हो गया और इसी पृथ्वी पर 1000 साल के लिए यीशु मसीह का राज्य होगा जिसे मिलेनियम किंगडम के नाम से जाना गया जैसा मैंने बताया आपसे। और मंदिर में से किसी ने इन सात स्वर्गदूतों से कहा ये कटोरे लो जाओ और इन्हें पृथ्वी पर उंडेल दो। ये परमेश्वर के सात कटोरे जो है उसके क्रोध का अंतिम रूप है। सो इसलिए इतना भयंकर जो है वातावरण और सीन होगा कि मनुष्य की सभ्यता ही खत्म हो गई, शैतान नाम की कोई चीज पृथ्वी पर नहीं रह जाएगी। सातों स्वर्गदूत तैयार हो गए और पहले ने
जाकर अपना कटोरा पृथ्वी पर उंडेल दिया और उन मनुष्यों के जिन पर पशु की छाप थी और जो उसके मूरत की पूजा करते थे एक प्रकार का बुरा और दुखदायी फोड़ा निकला। कल हमने ये देखा था कि जिन लोगों ने परमेश्वर की और मेमने की मोहर लिखी ली थी उनको शैतान ने मरवा डाला था और पृथ्वी पर उनके शरीर मर गए, लेकिन परमेश्वर ने उनको अपने सिंहासन के सामने जगह दी और वे मेमने का और मूसा का गीत गा रहे थे। और लेकिन अब वापस पृथ्वी पर आ जाए वे लोग जिन्होंने शैतान की मोहर ली थी उनके ऊपर ये विपत्ति आई। और उनके ऊपर इस पहले स्वर्गदूत ने जब कटोरा फूका या डाला तो जाकर के एक बड़ा और दुखदायी फोड़ा निकला और बड़ा एक आवाज आई के कॉस आवाज के लिए जो है, और एक बुरा ग्रीवियस पानी दिया। मालूम नहीं आप में से कितना इस बात को जानते हैं। मैं अपने करियर के दौरान करीब 6 साल मैंने कैंसर सर्जरी में काम किया है और 3 साल हार्ट सर्जरी में काम किया है। कैंसर का एंड स्टेज कई लोगों के लिए बड़ा दुखदायी हो जाता है। कई लोगों को मैंने दीवार पर अपने सिर ठोकते हुए देखा कि मौत तो आए, मरे तो सही, इतना दर्द सहन के बाहर है, मरना ज्यादा अच्छा है बजाय दर्द के। तो वही जो टर्मिनोलॉजी है वही यूज करी गई है कि वो दुखदायी फोड़ा, इतना दुखदायी कि लोग आगे लिखा है अपनी जबाने चबाने लगे और कहने लगे अरे मरे तो सही, मौत तो आए। और जिन्होंने ये फोड़ा उन पे निकला तो फोड़े के लिए शब्द आया हेल्को, और ये फोड़ा हेल्को जो है हो सकता है एक प्रकार का कैंसर ही हो। जिन्होंने उस पशु की छाप ली थी और उसकी मूरत की पूजा करते थे, चरागमा छाप के लिए जो शब्द आया है, मोहर के लिए जो शब्द आया और आराधना के लिए शब्द आया है प्रोस्क्यूनिटस, वे उसकी आराधना करते थे। उन्होंने अपने शरीर को अपनी आत्मा को संसार और शैतान और शरीर को सौंप दिया था। शरीर की अभिलाषाएं पूरी करते थे, संसार की अभिलाषाएं उसमें पूरा करते थे, अपने मस्तिष्क को अपने मन को भी शैतान को समर्पित कर दिया था। ऐसे लोग थे ये, इन्होंने शैतान की मोहर ली थी और कहा था कि बगैर इस मोहर के तो काम का चल ही नहीं सकता, यदि नहीं लेंगे तो शैतान मार डालेगा। सो उनको उस समय का जीवन अच्छा लगा, लेकिन ये नहीं मालूम था कि आने वाला ये मेलिग्नेंट जो शब्द है बॉइल जो है मेलिग्नेंट कैंसर के लिए वापरते हैं जो बड़ी तेजी से फैलता है। और वे लोग जिन्होंने शैतान के चिन्ह को अपने माथे पर और अपने दाहिने हाथ पे लिया हुआ था उनके ऊपर ये फोड़ा निकला और ऐसा जबरदस्त वो कटोरा जो है उंडेल दिया गया और सब मनुष्यों पर निकला। मतलब ऐसा नहीं था, अभी तक जो विपत्ति आ रही थी वो एक तिहाई पृथ्वी के लोगों पर आ रही थी, एक तिहाई मनुष्य मर गए थे, एक तिहाई जहां मर गए थे, एक तिहाई लोग मर गए थे, लेकिन इस अंतिम विपत्ति में ये फोड़ा सब लोगों पर निकला, सब जिनके माथों पर और दाहिने हाथ पर शैतान का चिन्ह था जो उसकी पूजा करते थे। और ये लोग दांत भिचेंगे, जीभ चबाएंगे कि मौत तो आए लेकिन मौत इनसे भागेगी। ये इन्होंने और ये ज्यादा समय तक रहने वाला नहीं है, ये 3.5 साल तक शायद इन्होंने अपने जीवन को अच्छा पाया। और वे लोग जो मर गए थे वो 3.5 साल पहले मर गए थे और परमेश्वर के प्रकोप को ये लोग झेलेंगे। और मैंने आपको बताया 666 अंक जो है आपके आधार कार्ड पे जो अंक है वो ये, अभी तक तो कार्ड का सिस्टम है, अब कहां आ जाएगा माथों पर और
आपके दाहिने हाथ पर, और ये लोग पृथ्वी के सारे लोग जो है इससे ग्रसित होंगे और चिल्लाएंगे, दांत भीचेंगे, जीत चबाएंगे, मौत की कामना करेंगे और मौत इनसे भागती जाएगी। ये दुखदाई फोड़ा जो है सब व्यक्तियों पर, और दूसरे ने अपना कटोरा समुद्र पर उंडेल दिया और वो मरे वो कासा लहू बन गया, और समुद्र ने कहा हर एक जीवधारी मर गया। जो स्वर्गदूत है उसके लिए जिलोस, और लहू बनने के लिए लहू जो शब्द आया वो हैमा, मर गए नेक्रोस। अभी तो पृथ्वी पर मरे हैं, अभी तो न्याय के बाद उस अनंत आग में भी मरेंगे। जो जीवित है वे सब मर गए, तो जीवित के लिए जो शब्द आया है वो लिविंग जाओ, और आत्मा के लिए शब्द आया है न्यूमा एपोथिनास को। यह है डेड, एक संसारिक रीति से और एक आत्मिक रीति से। यह कटोरा जो है समुद्र पर उंडेला गया, दूसरा कटोरा, और परमेश्वर के प्रकोप का अंत है ऐसा कहा गया। इसलिए जो विपत्तियां हैं वो भयानक है, और लिखा है कि सब कुछ जो समुद्र में है मर गया। अब वो अरबों खरबों अनगिनत जीवधारी जो समुद्र के हैं वो सब मर गए, सब मरे। आप सोच सकते हैं कि पृथ्वी की वो गंध जो है कहां तक जारी होगी। मनुष्य जो लैंड पर है उनके ऊपर वो फोड़ा, और उसके बाद समुद्र का हर जीवधारी मर गया, और समुद्र का पानी जो है लहू का सा लाल हो गया, पीने लायक नहीं रहा, और जो समुद्र से बिजनेस होता था वो बिजनेस खत्म हो गया। सो पृथ्वी पर, अब समुद्र पर ये विपत्तियां आन पड़ी, और यहां से वहां तक पूरा समुद्र, सैटेलाइट से जो पिक्चरें आएंगी जो वो शायद ऐसी होंगी, पूरा जो आज नीला दिखता है वो शायद लाल जो है लहू का सा दिखने लगे। सब तरफ लहू और लहू और लहू। और तीसरे ने अपना कटोरा नदियों और पानी के स्रोतों पर उंडेल दिया और वे लहू बन गए। समुद्र के बाद पानी के सब स्रोतों पर, चाहे वे नदियां थी, तालाब थे, हर जो पानी के स्रोत थे उन पर वो कटोरा उंडेल गया, और सब नदियां सब पानी के स्रोत भी लहू के से लाल हो गए। स्रोत या फाउंटेन, पेगे फाउंटेन जो है इसके लिए शब्द आया। और तीसरा कटोरा समुद्र पर, नदियों पर तालाब पानी के सब स्रोतों पर डाला गया। सब मतलब पृथ्वी की कोई नदियां नहीं बची, पृथ्वी के सारे स्रोत जो है वो लहू में टर्न हो गए। और लोग जो है इनके लिए, इनके कारण परेशान हो गए। सब पानी के स्रोत, चाहे पहाड़ों पर हैं, चाहे जंगलों में, चाहे किसका पता है किसी का पता नहीं है, वे सब स्रोत जो है जो आज नीले हैं वे लहू के से लाल हो गए। सब जगह ऐसा जो है मंजर देखने को मिलेगा। सभ्यता मैंने कहा कि पृथ्वी पर से खत्म हो जाएगी, मनुष्य का जीवन खत्म, समुद्र का जीवन खत्म। और आगे और देखते चले, लिखा है मैंने पानी के स्वर्गदूत को यह कहते सुना कि हे पवित्र, जो है जो था तू न्याय है, और तूने यह न्याय किया। वो स्वर्गदूत जो है परमेश्वर की महिमा करने लगा और कहा कि तू धर्मी है। धर्मी शब्द के लिए आया डाइक्रेलॉस, धर्मी है। और
जो तू था और जो तू है उसका और तेरे न्याय के लिए जो शब्द आए क्राइनो परमेश्वर ने ये फर्क करा। सो जैसे मत्ती सुसमाचार में प्रभु यीशु मसीह ने कहा भेड़ों को बकरियों से अलग किया और किसी स्वर्गदूत ने नहीं किया, ये काम परमेश्वर ने किया। सो परमेश्वर ने न्याय का अधिकार अपने पास रखा और इसीलिए स्वर्गदूत ने कहा तेरे न्याय ठीक और उचित है। किसको भेड़ माने किसको बकरा माने ये जो है परमेश्वर जानता है, आप जानते हैं, मैं जानू और मेरा खुदा जाने। और जिन उन्होंने पवित्र लोगों और भविष्यवक्ताओं का लहू बहाया था और तूने उन्हें लहू पिलाया क्योंकि वे इसी योग्य है। अब ये लोगों ने जो पृथ्वी पर जिन्होंने शैतान के छाप ली थी इन्होंने प्रभु के लोगों को मार डाला था, उनके गले काट दिए थे, उनके शहीद कर दिया था, जीते जी उनको उनके प्राणों को ले लिया था। अब न्याय ये आया कि परमेश्वर ने सब तरफ इनको लहू और लहू और लहू ये पिलाया। और लहू जो है उसके लिए शब्द था हैमा, संत लोगों के लिए होसियोस, होली, राइचस, अनपॉल्यूटेड विथ विकेटनेस, और वे लोग और भविष्यवक्ताओं के लिए प्रोफेटस, जो परमेश्वर के वचन को सही रीति से बताते थे उन लोगों को मरवा डाला था झूठे इल्जाम लगा के, शहीद हो गए थे। इसीलिए परमेश्वर ने अब यह पलटा अपने दास नबियों का इन लोगों से जिनके माथों पर और दाहिने हाथ पर शैतान की मोहर थी लेना शुरू किया। और जैसा मैंने बताया अभी तो फोड़ा निकला, ये नदियों का पानी समुद्र का पानी लाल हो गया, जिधर देखो लहू, जिधर देखो लहू, नलों में जो है लहू, हर तरफ लहू और लहू और लहू, जो है परेशान हो गए कैसे पिए इस पानी को। और जो है लिखा है फिर मैंने वेदी से यह शब्द सुना कि हाँ हे सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर तेरे निर्णय ठीक और सच्चे हैं। परमेश्वर की वेदी के लिए अंग्रेजी में शब्द अल्टर और थुसियास्टीरियन ये वेदी के लिए ग्रीक शब्द है। सर्वशक्तिमान ऑलमाइटी पेंटोक्रेटोर ये शब्द था, तेरे निर्णय सत्य है। सत्य के लिए तो शब्द आया है ट्रू, एलिथिनोस, रियल। धर्मी के लिए जो है डाइकेलोस, निर्णय के लिए क्राइसिस। सो ये ओरिजिनल शब्द थे और उनके अर्थ। और चौथे ने अपना कटोरा सूर्य पर उंडेल दिया और उसे मनुष्यों की आग से झुलसा देने का अधिकार दिया गया। अब ये तीन विपत्तियां तो पृथ्वी पर आई थी, चौथे ने अपना कटोरा जो है सूर्य पर उंडेला और सूर्य इतना तेज देने लगा कि सूर्य की रोशनी से ये झुलसने लगे सब पृथ्वी के लोग। अब एक तिहाई या दसवांश नहीं, सारे लोग इस गर्मी से झुलसने लगे, जलने लगे, जीते जी जलने लगे। और आपको मैं बता दूं कि प्रभु ने नूह के समय में वो पानी और पानी और पानी, जिधर देखो पानी, वैसा ही आज अंत के समय में आग और आग और आग, जीते जी परमेश्वर ने इनको झुलसा दिया। जिन्होंने शैतान की मोहर ली थी, उसके नाम की पूजा की थी, अपने जीवनों को उसको समर्पित किया था, अपने दिमागों को उसके ऊपर लगाया था, ये परमेश्वर के प्रकोप का सामना करने लगे।
और चौथी मोहर थी सूर्य के ऊपर, ये विपत्ति आई और सूर्य की गर्मी जो है उससे ये लोग झुलसने लगे, भागने लगे, दिन रात चैन नहीं, दिन रात चैन नहीं। और परमेश्वर का प्रकोप, ऐसा लिखा है कि इसके हो जाने पर परमेश्वर के प्रकोप का अंत है, तो जो जलजल आएगा वो इतना जबरदस्त रहेगा जो पृथ्वी की उत्पत्ति से नहीं होगा। और वो लोग जो इस जलजले को फेस करेंगे वे लोग होंगे जिन्होंने परमेश्वर का इनकार किया, जिन्होंने यीशु मसीह का इनकार किया और अपने आप को शैतान को समर्पित किया, वे लोग इस जलजले को महसूस करेंगे। और सूर्य इतना तेज जलने लगा, जहां देखो वहां लोग बोलेंगे क्या हो गया, क्योंकि समुद्र का पानी, नदियों का पानी, तालाबों का पानी, लहू और उसमें कितनी देर, और पृथ्वी पर यह झुलसा देने वाली गर्मी। और परमेश्वर का प्रकोप है तो आप सोच सकते हैं कि उसका तापमान कितना होगा। जिधर देखो उधर लोग, ये कटोरा जो है पृथ्वी पर उंडेला गया, लोग झुलसने लगे, शायद एसी काम नहीं करे, कूलर काम नहीं करे, पानी काम नहीं करे, और झुलसना और झुलसना, सब तरफ ऐसा ये सूर्य का जलजलाहट आई। और लिखा है मनुष्य बड़ी तपन से झुलस गए, और परमेश्वर के नाम की जिसे इन विपत्तियों पर अधिकार है निंदा की और उसकी महिमा करने के लिए मन न फिरा। और मनुष्यों ने एक मनुष्य नहीं, अब मनुष्य जो है मैन, एंथ्रोपोस ग्रीक भाषा में आया, जो हमें परमेश्वर और जानवरों से अलग कर, उसकी निंदा करी, ब्लेस्फेमी करी, परमेश्वर की निंदा करी इन विपत्तियों के कारण, उसके नाम के लिए जो शब्द आया ओनोमा, अधिकार है, एक्सोयूसिया ग्रीक भाषा में एक्सोयूसिया, मन नहीं फिरा, रिपेंट नहीं हुए, मेटानोइयो। देखिए मैं हमेशा बोलता हूं कि इसके पहले के दिन बुरे आए, आपका दिमाग जो है खराब हो जाए, आप बुजुर्ग हो जाए और आपके दिमाग में हेमरेज हो जाए, आपको पैरालिसिस आ जाए, आपको ये समझ में नहीं आए कि खाना क्या है और टॉयलेट क्या है। मैंने अपने जीवन में कई लोगों को टॉयलेट को खाना खाते हुए समझ करके खाते हुए देखा है, उन्होंने सोचा नहीं था कि दिमाग ऐसा फिर जाएगा। इसके पहले के दिन आए बुरे आए, बेहतर है कि परमेश्वर के पास चले। परमेश्वर ने ऐसा मन भी नहीं दिया इनको कि ये मन फिरा ले, बजाय मन फिराने के ये लोग गालियां बकने लगे, परमेश्वर की निंदा करने लगे, जो शब्द इनके मुंह में आता वो बोलते थे, महिमा नहीं करी, महिमा के लिए शब्द आया था डोक्सा, और परमेश्वर के नाम की निंदा करी। निंदा मतलब आप सोच सकते हैं कि शैतानी लोग कैसे निंदा करते होंगे, शायद गालियां भी शब्द छोटा है, जो उनके मन में आए वो परमेश्वर के लिए उच्चार्थ होंगे। और लेकिन मन नहीं फिराया, तकलीफें झेलना तैयार है, नरक जाना तैयार है, लेकिन परमेश्वर के पास आना तैयार नहीं। इसलिए एक और बात में हमेशा बोलता हूं कि कई बार हम सोचते हैं कि यीशु मसीह आ जाए तो शायद मन फिरा ले, नहीं, यीशु मसीह ने अपना वचन दिया तो भी ये लोग जो है परमेश्वर के प्रति ईमानदार नहीं, उसके प्रति धन्यवाद नहीं, और ऊपर से जो है विपत्तियां, नीचे से विपत्तियां, और जो है परमेश्वर के नाम की निंदा करने लगे, तकलीफों में है, जीभ चबा रहे हैं, दर्द में तड़फ रहे हैं, जल रहे हैं, लेकिन मन नहीं फिरा रहे। और पांचवे ने अपना कटोरा उस पशु के सिंहासन पर उंडेल दिया और उसके राज्य पर अंधेरा छा गया, और लोग पीड़ा के मारे अपनी अपनी जीभ चबाने लगे।
और पांचवे ने अपना पांचवे स्वर्दूत के लिए जो शब्द आया एजिलॉस, राज्य के लिए शब्द आया बेसिलिया, और दर्द के लिए शब्द आया कोनोस। इतने तकलीफ पांचवे स्वर्दूत ने अपना कटोरा पशु के सिंहासन पर उंडेल दिया, और लोग जो है उसका सिंहासन जो है, और उसका सिंहासन उन दिनों कहां रहेगा? पृथ्वी पर, अर्थात पृथ्वी पर अंधेरा छा गया। अभी तक सूर्य की रोशनी से जल रहे थे, अचानक अंधेरा छा गया। अब जो है अंधेरे के मारे तकलीफ, और लोग जो है पीड़ा के मारे अपनी अपनी जीभें चबाने लगे, ऐसा परमेश्वर का वचन लिखा है। अपनी अपनी जीभें चबाने लगे, क्योंकि ऐसा प्रकोप जिसके हो जाने पर परमेश्वर के प्रकोप का अंत है, तो ये प्रकोप कैसे भयानक होंगे। और पांचवें ने अपना कटोरा जो है शैतान और उसके सिंहासन पर कुंडेल दिया, और शैतान के लोग जो है जब अंधेरा छा गया, नीचे से जो गर्मी थी, पानी लहू का सा लाल था, फोड़े अलग थे, अब बचा क्या? तो अपनी अपनी जीभें चबा करके कहने लगे होंगे, क्यों मौत नहीं आ रही, क्यों मर नहीं रहे? दीवार से, गुफाओं में कुछ छिप गए, पहाड़ों से कहने लगे, हमें मेमने के प्रकोप से बचाओ। उस मेमने को जिसको आज तक आप त्यागते रहे, अब उसका प्रकोप जब आ गया तो बोले बचाओ बचाओ। मेमने का सिंहासन, वो व्यभिचार करने वाली स्त्री जो थी, वो सब सब जो है, और अंधकार छा गया, ऐसा अंधकार जो पृथ्वी के आरंभ से नहीं हुआ होगा। और परमेश्वर के नाम की अपनी अपनी पीड़ाओं और फोड़ों के कारण स्वर्ग के परमेश्वर की निंदा की, और अपने अपने कामों से मन नहीं फिराया। सो काम के लिए शब्द आया अर्गोन, अपने अपने कामों से मन नहीं फिराया। स्वर्ग के लिए जो शब्द आया ओरेनोस, और दिन रात एक तरफ ऊपर से सूर्य, नीचे से समुद्र, और ये फोड़े अलग और तकलीफें अलग, और जबान चबाने लगे लेकिन मन नहीं फिराया, और परमेश्वर के नाम की निंदा करने लगे। ऐसा मंजीर जो है, ऐसा नजारा उस समय पृथ्वी के लोगों को झेलना होगा, और वे जिन्होंने परमेश्वर का त्याग करा, लेकिन वे लोग जिन्होंने शैतान को त्याग दिया था, शैतान को छोड़ दिया था और परमेश्वर के पीछे हो लिए थे, उनके लिए हमेशा का जीवन रहेगा। क्या आप चाहते हैं कि आपके पास कैसा जीवन रहे, ऐसा या अनंत जीवन? मैं आपके प्रार्थना के द्वारा मदद कर सकता हूं, और मन फिराने का निर्णय आपका रहेगा, और यही निर्णय आपको इस अनंत जीवन को प्रदान करेगा। आए मेरे साथ प्रार्थना में शामिल हो। प्रभु जी, मैं अपने आप को आपको समर्पित करता हूँ। अभी तक मैं अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने लोगों के लिए जीवन जीते रहा, अपनी इच्छाओं के अनुसार चलता रहा। प्रभु, शरीर की अभिलाषाएं, आंखों की अभिलाषाएं, जीविका के घमंड में जुटा रहा। प्रभु, पूरा जीवन निकाल दिया, आपकी ओर ध्यान ही नहीं दिया प्रभु। लेकिन आज मैं आपके पास फिर से आता हूँ, और प्रभु चाहे कैसा भी रहूं प्रभु, किसी और मनुष्यों के सामने नहीं, लेकिन अपने अपराधों को आपके सामने मान लेता हूं, और मेरे बता देने से भी प्रभु जो है आपको तो मेरे अपराध मालूम है, उनका ज्ञान आपके पास में है, और प्रभु उनका सारा हिसाब किताब है। सो इसके पहले के दिन बुरे आए, और प्रभु मैं अपने आप को आपको समर्पित करता हूँ, अपने लहू से मेरे पापों को धोए, मुझे अपना बेटा बेटी बनाए, और प्रभु अपनी आत्मा मुझे प्रदान करें, जीवन के अंत तक आपके प्रति बने रहने का सौभाग्य प्रदान करें। धन्यवाद प्रभु आपके वचन के लिए, धन्यवाद इन अंत की बातों के लिए,
जो आपने मुझ पर जीते जी प्रकट कर। सारा आदर आपको देते हुए इस विनती को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं। आमीन और फिर आप